चैनल 10 न्यूज नेटवर्क पर हूं आपके साथ शर्मा। आज का सुप्रीम हो बहन जी मायावती का आगमन गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है और यहाँ पर सांसद प्रत्याशी जो है वो ठाकुर राजेंद्र सोलंकी को बनाया गया है। तमाम जो युवा है, तमाम जो लोग हैं मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ उनकी राय है आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें। एक तरफ ठाकुर राजेंद्र सोलंकी है, डॉक्टर महेश नागर है और डॉक्टर महेश शर्मा, कैसे देखते हैं आप मुकाबला? देखिए ऐसा है, इस बार परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने प्रत्याशी उतारे हैं, वो प्रत्याशी सराहनीय है और उन्होंने पिछले रहे काल में जैसे राजेंद्र सोलंकी जी है विधानसभा सिकंदराबाद लगती है, जेवर लगती है, लोकसभा गौतम बुद्ध नगर लगती है, तो उन्होंने पिछले जब रहते हुए विधायक बहुत अच्छे काम किए थे कार्यकाल के, लोग उन्हें याद कर रहे हैं, फिर से लोगों का मन है कि फिर से उन्हें सांसद में भेजेंगे और इस बार अगर वो सांसद में जाते हैं तो विश्वास रखें यहाँ की जो जनता की उनसे अपेक्षाएं हैं वो पूर्ण होंगी। पिछली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें डॉक्टर महेश शर्मा जी के पास कार्यकाल था, उनसे क्या अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाई? देखिये ऐसा है, 10 साल के कार्यकाल में महेश शर्मा जी ने एक हॉस्पिटल दिया हो गवर्नमेंट, एक आईटीआई कॉलेज दिया हो, एक डिग्री कॉलेज दिया हो, आप बताइए साल खाली 10 सालों में उन्होंने क्या किया? 10 सालों में उन्होंने अपने ही तो हॉस्पिटल में बढ़ोतरी की है, कैलाश हॉस्पिटल की शाखा नोएडा में रहती थी एक और खोल दी उन्होंने खुर्जा में, 10 साल में उन्होंने एक जेवर पर खोल दी, तो उन्होंने अपने ही लोगों की आवाज़ें भरने का काम किया, बाकी जनता से वो बहुत दूर रहे, जनता से ना उन्होंने कभी संपर्क करने की कोशिश की है। नाम क्या है आपका, कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ का क्षेत्रीय कार्यकर्ता हूँ बहुजन समाज पार्टी का, राजेंद्र जाट। कैसे देखते हैं आप इन चुनावों को? आज जो चुनाव अब आ रही है 26 तारीख बिल्कुल करीब ही है, क्या कुछ देखते हैं आप इन चुनाव? यहाँ पे इतना बदलाव हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल घुटने टिक चुके हैं यहाँ पे, और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। महेश शर्मा जी इस क्षेत्र के लिए आज तक कुछ नहीं किया, महेश शर्मा जी ने सब जनता में अपना पेट भर रहे हैं, इस हॉस्पिटल में अपने लिए बनाए हैं, जनता बिल्कुल बेकारी पर, बेरोजगारी इतनी हो चुकी है, युवा रोजगार युवा बिल्कुल बेकार हो चुका है सबके एज निकल गए। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए आप? मेरा नाम भारत विकास है, मैं भीमा से हूँ और इस बार बहन जी की सीट मुलायमसर से भारी मतों से निकलने का काम करेगा, रामचंद्र जाटव 2.5 लाख वोटों से यहाँ से मुलायमसर से जीतेंगे। आपका नाम क्या है सर, कहाँ से आए आप? मैं बुलंदशहर से। क्या कुछ लगता है कि आज बहन जी मायावती यहाँ आ रही है, क्या कुछ फायदा उनके आने से होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा बहन जी का आने का। जी अभी पहले योगी जी भी आ चुके हैं यहाँ पर और फिर उसके अलावा अभी अखिलेश जी भी आए थे, क्या कुछ लगता है? बहुत कुछ लगता है, बहन जी आएंगे तो संदेश जाएगा, एक नया संदेश जाएगा जी और जनता में यूज पैदा होगी बहन जी के आने से। जी क्या नाम है आपका? विवेक कदम। क्या कुछ लगता है कि आज क्या फायदा होने वाला है उनके आने से? देखिए बहन जी के आने से आज बहुत फायदा होने वाला है, जो लोग बहन जी को देखना चाहते हैं, आप अपना नेता मानते हैं, आज वो अपने नेता से मिलने आ रहे हैं, तो बहन जी आज इस महापर्व के लिए और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता लाने के लिए, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ पर बहन जी आना इतना ही जरूरी है जितना कि पब्लिक बहन जी से मिलने आई है। उनकी तरफ से ठाकुर राजेंद्र सोलंकी को उतारा गया है, डॉक्टर महेश शर्मा भी है, डॉक्टर महेश नागर भी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहन जी ने इस बार जो टिकट दिया है वो बहुत ही सोच समझ कर दिया है और मैं मानता हूँ इस बार का जो समीकरण है वो धरातल पर समीकरण है और बहन जी ने मिशनरी आदमियों को जो समाज के बीच काम करते हैं ऐसे लोगों को टिकट दिया है और ये वो लोग हैं जो समाज के बीच जाकर समाज की परेशानियों को सुनते हैं, उनका निवारण करते हैं, और बहन जी ने हमेशा से ही पिछली बार की 4 बार की सरकार और अपने मौजूदा हालात को देखते हुए बहन जी का आना इतना ही जरूरी है ताकि देश में बदलाव आए, बहुजन समाज में बदलाव आए और बहुजन समाज एक बार फिर सत्ता पर चढ़े और जो बहुजन समाज पहले नीचे था उसको उभारने का काम सिर्फ और सिर्फ माने बहन जी ही कर सकती है। माने बहन जी का मतलब है रोजगार अच्छा, स्वच्छता, आपका चिकित्सा, शिक्षा, ये सब बहन जी की गारंटी है। अभी ठाकुर राजेंद्र सोलंकी राजपूत समाज से आते हैं, क्या आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं खड़े उतरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो 100% खड़े उतरेंगे क्योंकि उनसे बहुत बड़ा तबका जो राजपूतों का जुड़ा हुआ है उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट बहन जी को मिलेगा और राजेंद्र सोलंकी जी को मिलेगा, साथ ही साथ बहुजन समाज का जो अपना बेस वोट है वो भी पूर्ण रूप से राजेंद्र सिंह जी के साथ जाएगा और यहाँ से निकलकर वो अपनी यहाँ से जीतने के बाद बहन जी को मजबूत करने का काम करेंगे।
जी, और भी जो तमाम लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी? क्या कुछ फायदा आज उनके आने से होगा और कैसे देख रहे हैं आप ठाकुर राजेंद्र सोलंकी जी? अभी राजेंद्र सोलंकी जी को इस तरह से देख रहे हैं, पुराने नेता है, जुझारू नेता है, अच्छे नेता है। उनकी बार अब की बार दो बेर महेश जी को मौका मिला, उन्होंने कोई काम नहीं किया, ये काम करने वाले नेता है, बढ़ते हुए नेता है जी। तो अब की बार राजेंद्र सोलंकी जी। आप देखिएगा, खुश रहे, कमेंट सेक्शन में लिख के रही, मैं आपके साथ शर्मा, आप देखते हैं ट्रेंड न्यूज।